अब कल हमने भगवान के विवाह के दर्शन किए। भगवान के कुल कितने विवाह माने गए हैं? सोलह हजार एक सौ आठ। लेकिन पूर्ण रूप से विवाह केवल रुक्मणी जी के साथ हुआ, बाकी सब किसी ना किसी कारण से भगवान के नाम दिए गए हैं। बट फिर भी कहा जाता है कि भगवान के 16,108 विवाह हुए। उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सत्रदिक नामक राजा थे, उन्होंने सूर्यनारायण भगवान की तपस्या करी, उनको प्रसन्न किया। तो सूर्यनारायण भगवान दर्शन देने आते हैं। अब उन्होंने कहा कि क्या चाहिए वरदान में? बोले वरदान नहीं चाहिए, मैंने तो बस दर्शन के लिए तपस्या करी थी। ऐसे भक्त कम मिलते हैं, तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। तो सूर्यनारायण भगवान अपने गले में एक मणि पहनते थे, उस मणि का नाम था समयंतक मणि। कौन सी मणि? तो उन्होंने वो उतार कर राजा को पहना दिया, चले गए। अब मनुष्य का स्वभाव है कि अगर उसके पास कोई कीमती वस्तु है वो उसका दिखावा बहुत करता है। हर कोई करता है, कोई बहुत करेगा, कोई थोड़ा करेगा, पर करेंगे सब। जैसे मान लीजिए कि महिलाएं हैं, अगर इन्होंने कोई अच्छी चूड़ियां पहनी है या अंगूठी पहनी है, उस दिन इनकी सारी बातें हाथों से होंगी। अगर साधारण दिनों में वो ये कहेंगी कि भाई कहाँ गए थे या यहां रख दो, और जिस दिन हाथ में अंगूठियां चूड़ी होगी कोई नहीं, तो उस दिन कहां गए थे यहां रख दो, है ना, बार बार। या फिर गले में कोई सुंदर हार पहना होगा तो बार बार उसको ठीक करेंगे, है ना। हाँ, आप भी कम नहीं है, ये महंगे महंगे फोन खरीदते हैं तो नया नया फोन लेके बाजार में जाएंगे। अब ना फोन आया होता है ना मैसेज आया होता है, लेकिन जैसे ही आसपास लोग दिखते हैं जबरदस्ती जेब से बाहर निकालेंगे। करते हैं कि नहीं, कि सामने वाला देखे कि भाई हाथ में अच्छा फोन है, भाई महंगा फोन है। यानी दिखावा सब करते हैं, कोई थोड़ा करता है, कोई बहुत करता है, पर करते, ये स्वभाव है मनुष्य का। तो अब इतनी सुंदर मणि, इतनी कीमती मणि, एक देवता की मणि है उनके पास। अब वो जहां भी जाए वो मणि पहन कर जाए, और जैसे ही आसपास लोग आए वो बार बार मणि को ठीक करने लगे, सीधा करे, उल्टा करे, सीधा करे, उल्टा करे। अब इतना करो तो सामने वाली की दृष्टि तो पड़ेगी, तो दृष्टि पड़े तो वो मणि थी इतनी सुंदर कि लोग तारीफ करते, अरे कितनी सुंदर मणि है, तारीफ करते, तो उनको बड़ी खुशी मिलती। अब एक बार वो एक सभा में गए तो वहां कई राजा आए हुए थे, तो अभी तो भगवान भी लीला कर ही रहे हैं, तो भगवान भी एक राजा है, भगवान भी आए। अब भगवान आए तो सत्रदिक राजा ने वही हरकत करी, आसपास जैसे ही लोग आए वो बार बार मणि को ठीक करने लगे। भगवान की नजर पड़ी, भगवान को हंसी आ गई, क्योंकि देखिए ये देवता की मणि है, ये एक आशीर्वाद है। बाकी चीजों का दिखावा करना चलो बनता है, पर जब कोई आपको आशीर्वाद स्वरूप चीज मिलती है तो उसको संभाल के रखा जाता है, उसका दिखावा नहीं किया जाता। तो उन्होंने वो दिखावा करने लगी तो भगवान को हंसी आ गई कि कितना मूर्ख है, जो चीज संभाल के रखनी चाहिए उसका ये दिखावा कर रहा है। अब भगवान को हंसी आ गई तो भगवान हंस दिए तो उसने देख लिया, उसको अच्छा नहीं लगा, उसके मन में आया कि मुझसे जल रहा है। मनुष्य की आदत है, उसको थोड़ा सा कुछ मिल ना जाए उसको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उससे जलने लगी है। अपने आप को महत्व देना कुछ ज्यादा ही देने लगता है मनुष्य। मैं हमेशा कहती हूं आपकी तारीफ आप नहीं दूसरे करने चाहिए, तब तारीफ मानी जाती है। आप ही खुद की तारीफ करते रहेंगे, ये किया, वो किया, वो किया, इसका मतलब नहीं किया, क्योंकि अभी तक लोगों को पता नहीं चला है
किया होता तो वो तारीफ कर रहे होते। तो यहां पर अब राजा को अच्छा उसको लग रहा है कि ये जलता है मुझसे, पर बात आई गई होगी। कुछ समय बाद यहां पर राजा का भाई वो मणि लेकर शिकार खेलने जाता है। सामना एक शेर से हुआ, शेर ने उसको मार दिया। अब शेर वो मणि लेकर चला गया। वो शेर का सामना एक रीछ से होता है, रीछ ने शेर को मार दिया, वो मणि लेकर चले गए। उन्होंने अपने बच्चों को अपने गुफा में खिलौना स्वरूप दिया, बच्चे खेल रहे हैं। अब राजा को खबर मिली, वो जंगल पहुंचते हैं, भाई का शरीर तो मिल गया पर मणि गायब है। आसपास जो सात लोग आए थे उन्होंने कहा कि अब जानवरों को मणि से क्या लेना देना, ये जरूर किसी ने मौके का फायदा उठाया है, तो तुम्हें किसी पे शक है? बोले शक कैसा? बोले किसी ने मणि को देखकर अटपटी हरकत करी हो। वो कहे हरकत तो एक ही ने करी थी। किसने? कृष्ण ने। उस दिन हंस रहा था मुझ पर। भगवान के दुश्मन भी कम नहीं है। उन्होंने कहा अरे वही चोर है, वो तो है ही चोर, जाओ वृंदावन में, वो प्रसिद्ध है इस नाम से। भगवान को पता चलता है तो भगवान जंगल पहुंचते हैं। भगवान आते हैं, देख रहे हैं भाई का शरीर जहां पड़ा था वहां से शेर के पैरों के निशान जा रहे। भगवान उसके पीछे पीछे गए। वो रुकते हैं रीछ के पैर, अच्छा ये रीछ और कोई नहीं जामवंत जी है, पता है ना जामवंत जी कौन है? तो ये और कोई नहीं जामवंत जी है। तो भगवान रीच के पैरों के निशान शुरू होते, गुफा तक पहुंचते हैं। अच्छा अब जामवंत जी ने भगवान को पहचाना नहीं है। तो भगवान गए, भगवान ने कहा कि मुझे वो मणि चाहिए, वो एक देवता की मणि है। वो कहते नहीं दे सकता, बच्चों को अच्छी लग गई है, उनको दुखी नहीं कर सकता मैं। अरे भगवान कही ये कोई खेलने की वस्तु है क्या? ये एक देवता की मणि है। बोले इतना है, युद्ध करो ले जाओ। दोनों के बीच मल्लयुद्ध होता है, यानी मल्लयुद्ध मतलब कुश्ती। अब जब आप किसी से हाथापाई करते हैं ना, तो आपको कुछ ही मिनटों में समझ आ जाता है कि सामने वाला शक्तिशाली है कि नहीं। कुश्ती होती है तो समझ जाता है, दोनों समझ जाएंगे कि सामने वाला कितना शक्तिशाली है। तो जामवंत जी समझ गए कि ये मुझे कभी भी मार सकता है, पर ये खेल खेल रहा है, भगवान मार नहीं रहे ना, पर वो शक्ति समझ गए हैं कि ये इतना शक्तिशाली है कि मुझे मार दे, पर अपना दाव पलट रहा है बार बार। काफी समय जब हो गया तब भगवान ने अंत में धनुष उठाया, बाण खींचते हैं, और बाण खींचते ही जामवंत जी को साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन। बोलिए श्री राम चंद्र भगवान की। अब यहां पर राम जी के दर्शन होने के बाद तो जामवंत जी ने चरण पकड़ लिए, प्रभु मैंने आप पर हाथ उठाया। भगवान कहते नहीं नहीं तुमने नहीं उठाया, मैंने तुमसे ये करवाया। क्यों करवाया? बोले क्योंकि राम अवतार में जब रावण का वध हुआ तब सब प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे, तो मैंने तुमसे पूछा तुम्हें प्रसन्नता नहीं है, तो तुमने कहा था कि प्रसन्नता तो है पर रावण बहुत बलशाली था, मेरी इच्छा थी मैं उसके साथ मल्ल युद्ध करता, पर मेरी इच्छा तो इच्छा ही रह गई। तब मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारा युद्ध रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ कराऊंगा, मैंने अपना वचन पूरा किया। अब मुझे वो मणि दे दो। वो कहे ऐसे नहीं, दहेज में दूंगा। अब देखिए दहेज, उस समय दहेज का मतलब और आज दहेज के मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे फर्क है? दो प्रत्यक्ष कारण बताती हूं मैं आपको। पहला, पहले मन से दिया जाता था, आज मांगा जाता है। पहले मांगा नहीं जाता था। अब दिया भी क्यों जाता था? कारण कि पहले जो स्त्रियां हैं वो सिर्फ घर पर रहती थी, बाहर काम नहीं करती थी, अपने पैरों पर खड़ी नहीं थी,
धन के रूप से वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं थी, तो उनके पिता क्या करते थे, अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए चीजें देते थे जो जिस पर हक सिर्फ बेटी का होता था, कि कोई भी दिक्कत आई तो वो किसी पर निर्भर नहीं है, इस चीज का ध्यान पिता रखते थे। आज उल्टा है, आज बेटी को छोड़ के सबके लिए चीजें दी जाती है, है ना, मांगने में, कि वो कहते हैं इसके लिए भी इतना, इसके लिए भी इतना, उसके लिए भी इतना। तो आज का दहेज और उस समय के दहेज में जमीन आसमान का फर्क है, तो इसीलिए उसको आज के समय का दहेज नहीं कि भगवान ने, क्योंकि लोग बड़ी जल्दी भगवान को बीच में ले आते हैं ना, उनको पता है बेचारे आएंगे नहीं नीचे सफाई देने के लिए, कि नहीं भाई हमारे समय ऐसा नहीं था, ये तुम लोगों ने बिगाड़ा है। तो इसीलिए मैंने ये बात बताई कि उस समय के दहेज का अर्थ और आज का अर्थ जमीन आसमान का फर्क है। तो उन्होंने कहा कि दूंगा पर दहेज में। भगवान कहते दहेज का मतलब समझते हो? बोले पशु हूं समझता हूं, आपको मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। भगवान कहते मेरा विवाह हो चुका है। बोले आपने कौन सा यहां मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा है? पहले राजाओं के कई विवाह होते थे, उसका एक कारण यह भी था कि पहले स्त्रियों की संख्या ज्यादा थी और पुरुषों की कम, क्योंकि पुरुष युद्ध लड़ते थे, सेना में रहते थे, तो अधिकतर मारे जाते थे, स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती थी और राजा ज्यादा विवाह करते थे। पर फिर भी भगवान ने जो मर्यादित रूप लिया उसमें एक ही विवाह किया, कि मर्यादा तो यही कहती है कि विवाह केवल एक होना चाहिए, मर्यादा ये समझाती है आपको। तो उन्होंने कहा कि आपने तो ऐसा कोई व्रत नहीं लेकर रखा है, आप एक राजा है, आप और विवाह कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि मेरी बेटी में मनुष्य वाली सुंदरता नहीं है तो बात अलग है। भगवान कहते मेरे लिए सब सुंदर है, क्योंकि सबको मैंने बनाया है, मैं कोई खराब चीज बना ही नहीं सकता। ये तुम लोगों ने बना दिया कि सुंदरता का एक रूप होता है, मैंने नहीं बनाया था। क्योंकि देखिए भगवान के लिए अगर सुंदरता का एक रूप होता तो भगवान सबको एक जैसा बनाते, पर सब अलग है, हर व्यक्ति दूसरे से अलग दिखता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में सुंदर है, उस जैसा दूसरा नहीं है, यही तो सुंदरता है। तो भगवान कहते चीजें खराब तुमने करी, तुमने बताया कि सुंदरता का एक रूप होता है और उसके बाद फिर तुम लोगों को मानने लगे कि ये सुंदर है ये सुंदर नहीं है। मैंने ऐसा नहीं बनाया था, मेरे लिए हर कोई सुंदर है। तब भगवान का विवाह जामवंत की कन्या जामवंती के साथ होता है। अब सत्रदिग राजा के पास गए, उनको मणि वापस करी, वो माफी मांगने लगे। भगवान कहते मैंने माफ किया। बोले ऐसे नहीं, मैं तभी मानूंगा आपने मुझे माफ किया जब आप मेरी बेटी से। भगवान कहते अरे मेरा विवाह हो चुका है। अरे बोले आपने कौन सा यहां मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा है, एक हो गया एक और सही। तब भगवान का विवाह सत्रदिक राजा की कन्या सत्यभामा के साथ होता है। इसी प्रकार कालिंदी सत्या श्रुति वृंदा लक्ष्मणा आठ विवाह भगवान के होते हैं। बाकी बचे कितने? 16,000। भौमासुर नामक एक दैत्य थे, उन्होंने अलग अलग राज्यों से 16,100 राजकुमारियों को अपने बंदी गृह में रखा था। बहुत समय से भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान उनकी सहायता करे, तो भगवान ने नारद जी को भेजा कि जाकर भौमासुर से कहो कि या तो वो राजकुमारियों को छोड़ दे वरना मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भौमासुर कंस के मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि कृष्ण से कहना मुझे कंस ना समझे, वो यहां आएगा तो जीवित वापस नहीं जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश निकट आता है तो बुद्धि उल्टी चलने लगती है। नारद जी ने कहा अच्छी बात है, वो तो देखेंगे कौन जीवित रहता है कौन नहीं। नारद जी भगवान के पास जाते हैं, भगवान यहाँ पर युद्ध के लिए आते हैं। भौमासुर के साथ और भी दैत्य थे, तो वहां मूर नामक एक दैत्य था, भगवान ने उसका वध किया। तब से भगवान का नाम पड़ा
मोर नामक दैत्य को मारने से भगवान का नाम पड़ा मुरारी। तब से भगवान का नाम पड़ा मुरारी। भगवान ने भौमासुर का भी वध किया। अब 16,100 राजकुमारियों से कहा अपने अपने राज्य जाओ, वो चली गई। उनके घर वालों ने उनको नहीं अपनाया, तब वो वापस भगवान के पास आती है और उन्होंने कहा कि अब आप अपनाएंगे। तब भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों को, इसीलिए कहा गया है कि भगवान के कितने विवाह हुए, 16,108।